तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 9, और अभी हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, ये मेरा दादाजी का मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। और गाइस, ये मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कोई सवाल हो तो कमेंट वाले पूछ सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ड्राइंग को करने के लिए सबसे पहले हमें वाटर से पूरे पेपर को भिगा लेना है। उसके बाद कलर को जितना हल्का हो सके हल्का करके देना है। पहले मैं आई को कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने फर्स्ट लेयर आई के ऊपर दे दिया है। उसके बाद मैंने ड्राइंग को पूरा पेपर को पानी से भिजा रहा हूँ, वाटर से। उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर का अप्लाई करूँगा। सो गाइज, अभी मैं कलर का अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो नॉर्मल पेपर मार्केट में जो मिलता है, 20 रुपीज़ का 36 पेपर मिलता है, वही है। तो गाइज, मेरे पास कोई उतना अभी महंगा प्रोडक्ट नहीं है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। और जो मैं ब्रश यूज करता हूँ वो गाइस फेवर कैस्टल का ब्रश है। इसका भी प्राइस काफ़ी कम है, ओनली 170 रुपीज़ का प्राइस है। तो गाइस, अगर आप लोग भी चाहो तो फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। और 6 मंथ से मैं इसी को ट्राई कर रहा हूँ। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में ना, इस ड्राइंग को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। जब इस पेपर के ऊपर वाटर का अप्लाई कर रहा था तब पेपर पूरी तरीके से मुड़ जा रही थी। और गाइस, वाटर और हाँ गाइस, ज़्यादा वाटर का भी यूज नहीं करना है, और ज़्यादा कलर का। वाटर और कलर दोनों अपने हिसाब से देख कर यूज करना है। तो गाइस, मैं अभी यूज कर रहा हूँ क्लॉथ को पूरा, मैं निकाल ले रहा हूँ पेपर को वाटर से। इसके में मैंने पेल ऑरेंज कलर का यूज किया है, जो कि मेरे दादाजी का कपड़ा इसी टाइप का था, तो मैं उसी तरह का तरीके का यूज़ किया हूँ। और यहाँ पर हम लोग आज फर्स्ट लेयर को दे रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर में ज़्यादा घबराना ही है नहीं है। कलर जहाँ पर जाए वहाँ पर जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ड्राई होने के बाद अपने आप मिक्स हो जाती है कलर। और हाँ गाइस, ध्यान में रखना कि सेकेंड लेयर करते समय आप लोग को वाटर का कम से कम यूज करना है और कलर का ज़्यादा यूज करना है। और गाइस, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जब पेपर के ऊपर वाटर दे रहा था तो कहीं कहीं ज़्यादा वाटर लग जा रहा था, तो कहीं कम वाटर लग जा रहा था। और यह पेपर बिल्कुल भी स्मूथ है, तो गाइस इसका वाटर जो है पेपर पर रुकता नहीं है, सीधा नीचे आ जाता है। और कलर देखने के बाद भी अच्छा से फेड नहीं होता है, फटा फटा सा कलर आने लगता है। तो यही मुझे प्रॉब्लम आई थी। अगर आप लोग के साथ भी आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वो इस तरीके का दिख रहा है। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे थे, और हमारा जो वीडियो था वो फर्स्ट पार्ट रात में ही कंप्लीट कर लिया था। सो गाइस, आप लोग को नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में दिख जाएगा अगले दिन। चैनल पर अगर नहीं सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, और बेल आइकन दबा देना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट जब मैं डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन फट से मिल जाए। तो गाइस, बस यही था आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।